नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी चिंतित, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक का हो सकता है फैसला। राजस्थान में लागू होगी कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता, सीएम अशोक गहलोत ने दिए संकेत। गोवा में सभी पार्टियों की भाजपा से साथगांठ, टीएमसी ने फिर कांग्रेस पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा, अहंकार छोड़कर अपने कामकाज का मूल्यांकन करे सरकार। मोहन भागवत बोले, भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू के बिना भारत और भारत के बिना हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं। पूर्व सांसद अतीक के बेटे का लुकआउट सर्कुलर जारी, सीबीआई ने घोषित किया है 2 लाख का इनाम। ट्रेन में जनरल टिकट पर सफर करने वालों को राहत, दिल्ली की 3 एक्सप्रेस ट्रेन में 1 से मिलेगी सुविधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने दिया बड़ा बयान, एक दल के सर्वे सर्वा कहते थे लड़के हैं गलती तो हो जाती है, अब बेटी का दुपट्टा उड़ाने वाले सलाखों में है कैद। मेरठ में नगर निगम हुए बेकाबू, ट्रक ने 2 हेड कांस्टेबल को कुचला, एक की हुई मौत। पीएम का काशी में होगा 3 दिवसीय प्रवास, भव्य समारोह श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों ने जुटाए 47 करोड़ रुपए, सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए होगा इस्तेमाल। ड्रैगन की नई चाल, भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन ने किया समझौता। हमें कोरोना के नए वेरिएंट का जल्द पता लगाने के लिए मिल रही है सजा, दक्षिण अफ्रीका ने दिया ये बयान। ड्रैगन के डेविड ट्रैम्प में फंसे युगांडा के, चुकानी पड़ी भारी कीमत, चीन का हुआ उसका इकलौता एयरपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत में दुनिया, ब्रिटेन, बेल्जियम, इजराइल, हांगकांग और जर्मनी में मिले मामले, उड़ानों पर रोक, सीमाएं की गई सी। टीम इंडिया का मजाक उड़ाने पर वसीम जाफर ने दिया जिमी निशाम को जवाब, अंपायर धर्मसेन पर बनाया मीम। केएस भारत के लिए बना डेब्यू, विकेट कीपिंग करना वरदान बना, अगले 3 सीजन विराट कोहली वाली टीम में जगह पक्की। कुणाल पांड्या ने खराब प्रदर्शन के बाद छोड़ दी बड़ौदा की टीम की कप्तानी, बतौर खिलाड़ी खेलते रहेंगे। गुरिंदर संधु ने भारत के खिलाफ किया था वनडे डेब्यू, अब ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। विकेट लेने के बाद अक्षर पटेल का बड़ा खुलासा, अपने पिता को मानते हैं जीवन का हीरो। कोरोना से जूझ रहे कमल हसन ने हॉस्पिटल से होस्ट किया बिग बॉस, राम्या कृष्णन बनी टेम्परेरी होस्ट। आमिर ने सेम रिलीज डेट चुनी पर केजीएफ चैप्टर 2 की टीम से मांगी माफी, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी 14 अप्रैल को होगी रिलीज। पीके के बाद फिर साथ नजर आएंगे आमिर खान, रणवीर कपूर फिल्म के सीक्वल में एक बार फिर दोनों साथ आने वाले हैं नजर। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म का टाइटल होगा ब्लडी डैडी, अली अब्बास जफर कर रहे फिल्म को डायरेक्ट।
बॉलीवुड पर फिर छाया कोरोना का साया। काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी हुई कोविड पॉजिटिव। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।